तो जैसा कि आज हम बात करते हैं, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में दो बहुत ही प्यारे कंसेप्ट सीखेंगे, और वो कंसेप्ट का नाम होगा हमारा एक एलिगेशन, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट हमारा क्या होगा, तो दूसरा कंसेप्ट हमारा होगा एवरेज, ठीक है। दोनों कंसेप्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एलिगेशन इकलौता एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे ऑलमोस्ट आप अरिथमेटिक के हर चैप्टर के कुछ ना कुछ पोर्शंस के सवालों को आप लगा पाते हो, और एवरेज का उपयोग सिर्फ आप एवरेज में ही नहीं, बल्कि एवरेज का उपयोग आप प्रॉफिट लॉस में, एवरेज का उपयोग आप सीआई में, एवरेज का उपयोग आप एसआई में, मतलब बहुत जगह पे, अनगिनत जगह पे आप इनका उपयोग कर सकते हो। हम क्यों करते हैं इनका उपयोग, देखो जनरली दोस्त क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से बना लो सवालों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल तो बेसिक मेथड से बना सकते हो, लेकिन सिलेक्शन बेसिक मेथड से नहीं मिलेगा। इसलिए ये वीडियो आधारित होने वाली है उसी टॉपिक के ऊपर कि सिंपल इंटरेस्ट में भी आप ये दो कंसेप्ट को लगा सकते हो, बेशक आपने इनको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज को लेकर कि हम जो है अगर इन सभी सवालों को एवरेज के, ठीक है, अब अगर हम इन सभी सवालों को एवरेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करें, यानी सिंपल इंटरेस्ट में यदि हम एवरेज के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो हम सवालों को कैसे बनाते हैं। फिर एवरेज के बाद हम देखेंगे अगर हम एलिगेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, एमटीएस में भी आया है, सीपीयू में भी आया है। आप इस सवाल को देखो, सवाल में कहा जाता है कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 10% प्रति वर्ष की दर से, एक तिहाई पूंजी को 9% की दर से और बाकी बची पूंजी को 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन देखो, एक आदमी अपनी आधी पूंजी को 20% प्रति वर्ष की दर से, एक तिहाई को 15% के दर से और शेष को 10% के दर से निवेश करता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। एक छोटा सा सवाल इसी तरीके से कि एक व्यक्ति अपने पूंजी का एक चौथाई 3% के ब्याज के दर से, दो तिहाई इतने के दर से, शेष को इतने के दर से, तो कुल मिलाकर प्रश्न क्या होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपका औसत का इस्तेमाल करके सवाल को आपको बनाना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एवरेज के सवाल में। तो देखो दोस्त, एवरेज में क्या पढ़ना होता है, जैसे मानो कि हमारा मुन्ना है, ठीक है, हमारा मुन्ना है और मुन्ने के पास मानो कि यहाँ पर 100 रुपए हैं, ठीक है, मुन्ने के पास क्या है, तो 100 रुपए हैं, समझना मेरी बात को। अब मुन्ना अपने तीन बेटों को बुलाता है, ठीक है, मुन्ना अपने तीन बेटों को बुलाता है, पहले बेटे का नाम हो गया ए, दूसरे बेटे का नाम हो गया बी, तीसरे बेटे का नाम हो गया सी। इसने 100 रुपए में से आधा पार्ट, इसने 100 का आधा भाग, ठीक है, 100 का आधा भाग जो है वो किसको दे दिया, 100 का आधा भाग इसने ए को दे दिया, उसके बाद जो है एक तिहाई भाग किसको दे दिया, बी को दे दिया, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो इसने किसको दे दिया, सी को दे दिया। मुन्ने के पास टोटल 100 रुपए थे, उसके इसने तीन पार्ट किए, आधा भाग ए को दिया, एक तिहाई भाग बी को दिया और बाकी बचा भाग किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब बोला कि बेटा चलो तुमको इतना इतना पैसा दे दिए, तो बेटे इससे पूछे कि पापा इस पैसे का हम करेंगे क्या, तो बोला मुन्ना देखो हम बनिया है और बनिया जो है क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं ब्याज पे चला के, तुम्हें भी यही काम करना है। इसको दिया तो बोला कि देखो 10% के हिसाब से, 10% के हिसाब से तुम्हें पैसा 2 सालों तक चलाना है। इसको दिया तो बोला तुम्हें 15% के हिसाब से पैसा 3 सालों तक चलाना है, ठीक है, और इसको बोला तो बोला तुम्हें 2% के हिसाब से पैसा 1 साल तक चलाना है। समझ में आ गया बात, कुछ इसी तरीके से कहा जाता है। और यदि अगर हम इनके मानो सालों को हटा देते हैं, मानो 10% 12% सिर्फ अभी इतना करते हैं, बाद में हाई लेवल देखेंगे, इसको कहा कि इसको पैसे 10% के हिसाब से दिए, इसको पैसे 15% के हिसाब से दिए, इसको पैसे 2% के हिसाब से दिए, और सवाल में हमसे क्या पूछा जाएगा, सवाल में हमसे बोला जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। सवाल में हमसे ये बोला जाएगा कि बताओ एवरेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लोग जब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, पैसा देंगे, तो ये मुन्ने के पास जो है एवरेज रेट कितना मिलेगा, मुन्ना के पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, आधा भाग 10%, एक तिहाई भाग 15%, बाकी भाग 2%, ये सभी जब पैसा कमा कमा के, ब्याज कमा कमा के जब मुन्ना को रिटर्न करेंगे, तो मुन्ना के पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, क्या वो 10% के बराबर होगा, क्या वो 12% के बराबर होगा, क्या वो 15% के बराबर होगा, मतलब एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, ठीक है। अब ये सवाल हम कैसे निकालेंगे, तो देखो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहां पर ऑटोमेटिक एवरेज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और एवरेज का मतलब क्या हो गया, औसत। तो हम औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि किसके पास कितने कितने रुपए हैं, या उस पैसे का कितना भाग है, कितना हिस्सा है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें यह देखना होता है कि इनको किन किन रेट पर दिया गया है, ताकि हम यहां पर एवरेज पार्ट निकाल पाए। तो यहां पर आपको 100 रुपए कहा गया है, देखो आप चाहो तो 100 रुपए भी ले सकते हो, और चाहो तो यहां पर, ठीक है, आप चाहो तो 100 रुपए भी ले सकते,
सकते हो, चाहो तो 200 भी ले सकते हो, चाहो तो 500 भी ले सकते हो, चाहो तो 600 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर की मर्जी है, क्योंकि आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है तो आपको पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं रखनी। ठीक है, तो हम यहां पर कभी भी 100 रुपया लेते ही नहीं है, हम यहां पर एक ऐसी संख्या लेते हैं, समझिएगा मेरे बात को, जिसका हम आधा कर सकें और जिसका हम एक तिहाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको आधा करे तो बड़े आसानी से कट जाए और जिसका एक तिहाई करे तो कट जाए। यानी अगर हम आसान भाषा में कहें तो आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो दो और तीन दोनों से क्या होगा, कट जाएगा। तो हम बोलेंगे बहुत शानदार, हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 रुपया लेते हैं मानो। तो हमने कहा 6 का आधा कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 रुपया। 6 का एक तिहाई कितना होगा, तो 2 रुपया। 6 में 3 रुपया ए को मिला, 6 में 2 रुपया बी को मिला, तो बाकी जो रेस्ट है वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें ये बात पता करना है कि किसके किसके पास कितना कितना पार्ट है, या यूं कहें तो किसके पास कितना प्रिंसिपल है, किसी के पास कितना प्रिंसिपल है। मेरी बात को समझ में आ गया? और वो हमने कैसे निकाला, वो हमने यहाँ पर बट्टे को देखकर निकाला, यहाँ आधा है यहाँ एक तिहाई है, तो हमने कहा टोटल पार्ट को हम 6 लेते हैं, तो 6 का आधा जो हो गया वो 3 हो गया, 6 का एक तिहाई 2 हो गया, और यहाँ पर इसको मिला 1। ठीक है, कोई समस्या की बात, ये इनका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई समस्या की बात। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, तो हम औसत कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे देखो इसके पास 3 पार्ट है और हर पार्ट पे 10% का ब्याज कमाता है, तो टोटल कितना कमाएगा, तो 3 × 10 कमाएगा। इसके पास 2 पार्ट है, हर पार्ट पे 15 कमाता है, तो कितना कमाएगा, तो 2 × 15 कमाएगा। इसके पास 1 पार्ट है, हर पार्ट पे 2% का पैसा कमाता है, तो 1 × 2 कमाएगा। हमें निकालना होता है औसत, और औसत का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू आई है उनको जोड़ के उनके पार्ट्स से डिवाइड कर देना। तो यहां कितने पार्ट हैं, टोटल कितने पार्ट हैं, 6 हैं, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां से 30% 30 और 30 कितना हो गया, 60, 60 और 2 कितना हो गया, 32। 32 को आपको 6 से डिवाइड कर देना है, तो बोलोगे सर 5 सही 1/3% हमारा करेक्ट आंसर आएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 5.33% जो आएगा वो क्या आएगा, औसत आएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि एवरेज का जो कंसेप्ट है हम इस तरीके से साधारण ब्याज में लगाते हैं, इस तरीके से एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं। पहले हम पता करते हैं कि उनका प्रिंसिपल का पार्ट कितना है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि किसको कितने कितने के रेट पर दिया, फिर क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल को इस रेट के साथ गुना, इस प्रिंसिपल को इस रेट के साथ गुना, इस प्रिंसिपल को इस रेट के साथ गुना, ये हमारा आ जाता है टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम टोटल जितने भागों में बांटना है उतने से भाग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि औसतन हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, समझिए, तो जैसे आपके सामने ये सवाल है, आप मुझे बताओ क्या इस सवाल को आप बना पाओगे। ऐसे सवालों में प्रिंसिपल कितना दिया है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो, अच्छा ठीक है, 62, एक मिनट माफ करना, यहाँ पे 30 और 30 60 60 और 2 62 62/6 का मतलब कितना होगा, 10.33% होगा। ठीक है, करेक्ट कर लो, 10.33%। अगर आप चाहते हो कि मैं YouTube पर आपको कंसेप्ट बताऊं और आप उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके अच्छा स्कोर करो, तो आप लोगों को जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना उसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जो PDF मैं टेलीग्राम पर देता हूं उस PDF को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। हमारे दोनों टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स भाई आदित्य रंजन है और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है, दोनों टेलीग्राम से आप जो है जाकर PDF को डाउनलोड करके रोज शाम को बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF हम क्यों देते हैं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, आप उसको लगाओ। ठीक है, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको जो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं डेली के डेली क्लासेस में उसको बढ़िया तरीके से सीखो, उसको नोट डाउन करो, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सवाल देखो, तो कहा गया एक व्यक्ति जो है अपने आधे कैपिटल को, हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट अ रेट ऑफ 10%, तो हमने कहा चलो ठीक है आधा भाग जो है एक व्यक्ति के पास है। फिर उसके बाद कहा गया इस आधे भाग को हम कितने के रेट पर देंगे, तो 10% पे। याद रखो ये हमने कहा ये भाग है और ये हमारा रेट है। भाग का मतलब क्या हो गया, कितना पार्ट, आप ऐसे भी कह सकते हो कितना पार्ट है। ठीक, आधा भाग को 10%। उसके बाद हमने आपसे ये कहा है, ठीक है, कि 1/3 भाग को 9% पे। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा गया बाकी बचा पार्ट, रेस्ट पार्ट को कितने पे दोस्त, तो रेस्ट पार्ट को 12% पे। आधा भाग को इतने पे, एक तिहाई को इतने पे, बाकी बचे भाग को जो है 12% पे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया बताओ यहां पर कि ओवरऑल कितना मिलेगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि यहां नीचे बट्टे में देखो 2 है और यहां 3 है, आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिसका आधा भी कर सको और जिसका एक तिहाई भी कर सको, यानी 2 और 3 का मल्टीपल। तो हमने कहा पूरा का पूरा पार्ट मान लो 6, पूरा का पूरा पार्ट मान लो 6 को आधे के साथ गुना करोगे, यानी 6 का आधा कितना आएगा दोस्त, तो 6 का आधा 3 आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहां इस पार्ट को कितना लिख देंगे, 3। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर 6 का एक तिहाई करना था तो वो आएगा 2,
और रेस्ट कितना हो गया, तो रेस्ट हो गया एक, यानी अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालने जाएं तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 × 10 हमारा आ जाएगा, समझ में आ गई बात, 2 × कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 × कितना आएगा, 12 आ जाएगा। भाग करेंगे कितने से, जितने भागों में बांटना है 6 भागों में, यहाँ से 30 मिलेगा, यहाँ से 18 मिलेगा, 48, 48 और 12 60, 60/6 कितना हो जाएगा दोस्तों बताओ, तो 60/6 जो है हमारा 10% हो जाएगा, 60/6 कितना हो जाएगा 10%, सीजल का पूछा हुआ सवाल था, लेकिन अगर हमें ये पता होता तो हम आसानी से आंसर दे देते हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो, यहाँ पे अगला सवाल सेम तरीके से कहा गया, एक व्यक्ति अपने आधे कैपिटल को 20% पर देता है, एक तिहाई को 15% पे देता है और बाकी बचे पार्ट को 10% पर देता है, एवरेज बताओ कितना आएगा, CHSL का फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, जल्दी से यहाँ पर कॉल करके कह रहा हूं मैं, माफ करेंगे, जल्दी से यहाँ पर बताओ आंसर कितना आएगा सेकंडों में, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोलोगे सर कंसेप्ट सीखा है बस, कंसेप्ट आता है, सवाल दीजिए सेकंडों में उड़ा पाएंगे, बस कठिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने कहा एक नन्ना मुन्ना कोई व्यक्ति होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसने आधे कैपिटल को कितने के दिया है 20% के रेट पे, तो आधे भाग को कितने पर दिया 20% पे, तो यहां पर लिखेंगे सर भाग, ठीक है, कितना भाग मतलब कितना पार्ट है, और यहां लिखेंगे रेट कितना है, तो भाग कितना दिया, आधा भाग दिया, और कितने के रेट पर दिया है बताओ दोस्तों, 20% के रेट पर दिया है। उसके बाद हमसे कहा गया है कि 1/3, एक तिहाई भाग को कितने पर दिया है, तो एक तिहाई भाग को 15% पर दिया है। ये दो सवाल कर लो, उसके बाद मैं सीजीएल मेंस का सबसे कठिन सवाल आप लोगों को कराऊंगा, जो आपके परीक्षा में आया था, और आप देख पाओगे कि आप उसको भी सेकंडों में बना पा रहे हो। रेस्ट पार्ट को कितने पर दिया है, यानी यहां पर रेस्ट पार्ट है, और रेस्ट पार्ट को कितने पर दिया है 10% पर। हमसे क्या पूछा है, हमसे औसत पूछा है कि बताओ औसतन उसको कितना मिल रहा है, औसतन उसको कितना मिल रहा है। आप मुझे बताओ यहां पे कि अगर हम टोटल पार्ट को 6 लेते हैं तो 6 का आधा कितना बन जाएगा, तो 6 का आधा हमारा 3 बनेगा, 6 का एक तिहाई कितना बनेगा, तो 6 का एक तिहाई हमारा 2 बन जाएगा, 6 में से 3 यहां चला गया, 2 यहां चला गया, तो बचा कितना, बचा 1 यहां पे। अगर हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, 3 पार्ट को 20% पे, यानी 3 × 20 कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा, 2 × 15 कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, 1 × 10 कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। भाग करेंगे कितने से, 6 से, तो यहां 6 भाग लगाओ, 60 30 90 जमा 10 100, 100/6 का मतलब हो गया 50/3% जो आएगा हमारा करेक्ट आंसर है। कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है एबीसी में, तो चौथा होगा, none of these is the correct answer। अब देखिए यहां पर जो सवाल है आपका पेपर मेंस में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमारे से इतना बोला गया था कि हमने जो है आधा भाग, देखो हमारा एक प्यारा बच्चा है मोनू है, ठीक है, मोनू बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है, अपनी पढ़ाई करता है, उसको पता है कि उसको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, तो वो बड़े अच्छे तरीके से डेली रोज शाम 8:30 मेरी क्लास अटेंड करता है और अपनी किताबों को लगाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। मोनू जो है उसने क्या किया है, तो मोनू ने आधे भाग को पैसे को, ठीक है, मोनू आधे भाग के पैसे को 10% के रेट से देता है, साथ में मोनू जो है एक तिहाई भाग को या एक चौथाई भाग को, ठीक है, एक चौथाई भाग को 3% के रेट पर देता है। उसके बाद मोनू जो है 20% हिस्से को, 20% पार्ट को, 20% पार्ट को 10% के रेट पर देता है, और बाकी जो पार्ट उसका बच गया, रेस्ट पार्ट बच गया, उसको जो है 5% के पार्ट से देता है, तो बताओ मोनू को औसतन कितने का लाभ होगा। ठीक है, इतने भाग को इतने पे, इतने भाग को इतने पे, और 20% भी कहा जा सकता है प्रिंसिपल का 20%, इसीलिए मैंने यहां पर तीन चीजों को मिक्स किया है, एक भाग शब्द को, एक परसेंटेज शब्द को, और एक रेस्ट शब्द को, ताकि आप इस कंसेप्ट को सीख पाए कि इसको कैसे लगाना है और इसका फायदा कैसे उठाना है। तो हमने कहा ठीक है बेटा मोनू, अब तुम साइड हो जाओ यहां पे। अब देखो मैंने क्या कहा, आप मुझे बताओ यहां पर 20% को आप अगर बट्टे में लिखोगे तो क्या होगा बताओ, 20% को अगर आप बट्टों में लिखोगे तो बोलोगे सर 20% कितना होता है, 1/5, तो हम यहां लिखेंगे ये 1/5 के बराबर है। परसेंटेज भी दे देगा मेरे भाई तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर मानो यहां पर मैं लिखता 11 सही 1/9%, ठीक है, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 11 सही 1/9% भी अगर मैं लिख रहा हूं तो उसका पार्ट कितना आएगा, 1/9। आप सवाल को सीखो कि वो बनता कैसे है, फिर ऑटोमेटिक कंसेप्ट जानो उसके पीछे का, फिर तो बना ही लोगे। पेपर कुछ कैलकुलेटिव नहीं होता है, पेपर ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, कंसेप्ट होता है, जो सीखना होता है वो कंसेप्ट सीखना होता है, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर कितना भाग था, तो हमने कहा था यहाँ 20% का मतलब 1/5। अब हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो से, 4 से और 5 से, तीनों से कट जाए। आप मुझे बताओ जो 2, 4 और 5 से कट जाए वो कौन सी होगी, 20 होगी। तो हम बोलेंगे टोटल प्रिंसिपल को हम मानते हैं 20, टोटल प्रिंसिपल को कितना मानेंगे 20, 20 का आधा कितना होगा, तो 20 का आधा हमारा हो जाएगा 10, ठीक है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 20 का 1/4 कितना आएगा, 20 का 1/4 कितना आएगा, तो बोलोगे 20 का 1/4 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया बात। 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20 का 1/5 हमारा 4 हो जाएगा। अब जरा इनको
काउंट करो तो 10, 5, 15, 15, 4, 19 कितने हो गए, 19 हो गए। टोटल पार्ट कितना है, 20 है। तो जो रेस्ट वाला है उसको कितना मिलेगा, रेस्ट वाले को 1 मिलेगा। अब क्या यहां से आप एवरेज निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ गुरुजी एवरेज निकाल सकते हैं। एक पार्ट पर 10%, तो 10 पार्ट पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 100% का। एक पार्ट पर 3%, तो 5 पर कितना मिलेगा, 15 का। एक पार्ट पर 10%, तो 4 पर कितने का मिलेगा, तो 40 का। ठीक है, एक पार्ट पर 5, तो 1 पर कितने का मिलेगा, 5 का। इसको डिवाइड करो, कितने से डिवाइड करो, 20 से। तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे। 100 हो गया, 140 हो गया, और यहाँ 20 हो गया, टोटल मिलाकर हो गया कितना, 160। और इस 160 को किससे भाग करने वाले हैं, 20 से भाग करने वाले हैं। काटना जरा, औसतन कितना आया, 8%। यानी अगर मुनु सबको पैसे दे रहा है तो उसको औसतन कितना लाभ होगा, 8% का। ठीक है, बढ़िया बात है भाई। बस लैंग्वेज में इसी सवाल को घुमा फिरा के दे दिया जाता है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो और समझ पाओ। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आ जाओ। जो बढ़िया वाला टाइप सीखना है वो है हमारा एलिगेशन का कंसेप्ट। ठीक, कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन इन एसआई, बड़ा जबरदस्त मजेदार कंसेप्ट है, मजा आने वाला है एलिगेशन के कंसेप्ट में। ठीक है, क्योंकि एलिगेशन एक ऐसा है ना, आप ऐसे समझ लो कि ये हमारे कृष्ण जी हैं जिनके अंडर में पांचों पांडव रहते हैं और पांचों पांडव जाके इनसे सहायता लेते हैं और ये उनकी सहायता करते हैं। उसी तरीके से एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके पास अरिथमेटिक का हर चैप्टर जाता है, बोलता है भाई मेरी मदद कर दे, तो ये बोलता है तुम सभी आ जाओ मेरी शरण में, एक ऐसा मेथड देंगे, बस एक ही ब्रह्मास्त्र देंगे और तुम सभी चैप्टर के सवालों को बना पाओगे, और वो है एलिगेशन। ठीक है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिससे तुम परसेंटेज के भी सवाल बना पाओ, जिससे तुम सीआई और एसआई के भी सवाल बना पाओ, जिससे तुम प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवालों को बना पाओ, हर तरह के सवालों को बनाने का एक रामबाण इलाज है, वो है एलिगेशन। ठीक है, अब एलिगेशन जान लिया, इतनी हाइक बन गई इसकी, भाई साहब ये तो फूले नहीं समाएगा। तो असल में एलिगेशन होता क्या है, ठीक है, और एलिगेशन का लगाते कैसे हैं, एलिगेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, ये हमारा जो है एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे समझ लो, ये आपकी दो आंखें हो गई और ये आपका क्या हो गया, बीच में आपका नाक हो गया। ठीक है, और इसको बांटना है कितने पार्ट में, दो पार्ट में, इस तरीके से दो पार्ट में ये बट जाएगा। ये पांच याद रखना, जैसे मैंने कहा ना, ये कृष्ण जी हैं और ये पांच पांडव हैं, ये कृष्ण जी हैं और ये पांच पांडव हैं, इस पांचों पांडव पे काम करता है हमारा ये मेथड। अब ये पांच पांडव में कहां पर क्या लिखा जाता है वो समझना, अगर वो समझ गए तो खेल खत्म है। ठीक, जैसे यहां पर क्या होता है, एक छोटा सा कहानी सुना रहा हूं, क्वेश्चन सुना रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन से पकड़ लेना कि कहां कहां पर क्या क्या पकड़ोगे। जैसे मानो यहां पर हम ये कहते हैं कि आपका जो है, आप जिस एक तरीके से जिस क्लास में आप पढ़ते हो, बचपन में जिस क्लास में आप पढ़ते थे, जो आपकी क्रश हुआ करती थी, जो आपके बगल में बैठती थी, जिसको बहुत एक तरीके से तरोताजा फॉर्म में अभी याद भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस क्लास में आप जिस क्लास में पढ़ते थे, छठी हो, सातवीं, आठवीं हो, उस क्लास में लड़के भी थे, उस क्लास में लड़कियां भी थी। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो हमने कहा, एक दिन हम आए और हमने कहा कि एक काम करो, सभी का औसत वजन निकालो। ठीक है, सरकार की तरफ से आदेश आया है कि सभी का वजन जो है वो नाप के रखना है, कि कोई जो है कुपोषण का शिकार तो नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, लड़कियों का जब हमने औसत निकाला, तो लड़कियों औसत आया 40 किलो। ठीक है, और जब लड़कों का औसत निकाला, तो ये भाई साहब ऐसे भी खाते पीते रहते हैं जिंदगी भर, तो इनका औसत आया हमारा 60 किलो। ठीक, तो सरकार को हमने ये दो डेटा भेज दिया, तो बाद में सरकार बोली ठीक है, लेकिन तुम ये भी बताओ तुम्हारे स्कूल में क्लास का औसत कितना है। ठीक है, तो हमने कहा क्लास का औसत इन दोनों के बीच में ही होगा, यानी 55 किलो। हमने कह दिया सरकार को कि हमारा 55 किलो औसत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, यानी लड़कियों का औसत यहां पर, लड़कों का औसत यहां पर, और जो नाक है वो दोनों आंखों के बीच में होता है, यानी इससे भागेगा नहीं। उसी तरीके से जो बीच वाला डेटा होता है ये हमेशा इन दोनों के बीच में होगा, और ये जो डेटा बना है ये लड़कियों से भी बना है और लड़कों से भी बना है पूरे क्लास का। तो इसी तरीके से जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे, तो मानो आप यहां हो और ये आपका नानी का घर है, आप अपने नानी के घर गए 10 की रफ्तार से। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार से, और वहां से आया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, पूरे यात्रा का औसत मान लो x रहा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे 10 यहां पर जाने का गति, 20 वहां से आने का गति, और x हो जाएगा टोटल गति। उसी तरीके से जब आप यहां पर प्रॉफिट लॉस भी पढ़ोगे, प्रॉफिट लॉस के अलावा आप साधारण ब्याज भी पढ़ोगे, साधारण ब्याज में कैसे लगाओगे वो समझो। तो साधारण ब्याज में बोलोगे कि हम अपने एक बेटे को दिए मान लो पैसा 10% के रेट से, दूसरे वाले को दिए पैसा 20% के रेट से, इन दो नलायकों के चलते हमको मिला 15% का ब्याज। तो पहले बेटे को जो दिया वो इतना का रेट, दूसरे को दिया इतने का रेट, और टोटल को कहां लिखोगे, बीच में। ठीक है, तो अभी तो ये पता चल गया कि इन तीन बक्सों में क्या भरना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर तीन बक्सों के बाद, तो यहां पर हमें नीचे क्या लिखना है। अब
जरा वो नीचे का भी कहानी समझो कि नीचे क्या लिखेंगे। तो नीचे और आसान काम है, जब आप इनको लिखते हो ना तो आपका क्या होता है कि एक वाला ये जो 55 होता है ना, ये किसी एक संख्या से बड़ा होता है, किसी एक संख्या से छोटा होता है। तो हमने कहा ठीक है, ये 60 जो है इसको घटाएगा, बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को घटाता है। 60 में से 55 जाएगा तो 5 आएगा, और 55 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 आ गया, 15 आ गया, इसका हम करें क्या, ये एक्चुअली में है क्या? तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इनका अनुपात लो। अनुपात का मतलब 1:3, यानी ये बात कहने की कोशिश कर रहा है कि लड़कियों की संख्या 1 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 3 है, या लड़कियां और लड़के 1:3 के अनुपात में हैं। अगर तुम्हारे क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। तो एलिगेशन का मेथड लगा के हम उनका अनुपात बता सकते हैं, उनका नंबर बता सकते हैं। उसी तरीके से साधारण ब्याज में एक बेटे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे वो यहां होगा, दूसरे को जो दोगे वो यहां पर होगा, टोटल वाले की वैल्यू यहां पर होगी, और जो ये रेशियो आएगा, ये रेशियो ये बताएगा कि आपके पास जो पैसा था उसका कितना भाग पहले के पास है और उसका कितना भाग दूसरे के पास है। जैसे मेरे पास 4 रुपए थे तो 1 रुपया हम कहते कि बेटी को दिए थे और 3 रुपया बेटे को दिए थे। तो यहां पर अल्टीमेट जो कंपैरिजन होता है ना, यही एलिगेशन का कंसेप्ट। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट में, एलिगेशन इन सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन ठीक है इन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में एलिगेशन का कंसेप्ट। तो याद रखो 5 बक्से बनाने हैं, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ और ध्यान नहीं रखना, 5 बक्से बनाने हैं। और 5 बक्से में क्या क्या लिखना वो देखो, एक बक्सा यहाँ पे, दूसरा आपका यहाँ पे, तीसरा वाला बीच में, और ये दोनों ऐसे दांत दिखा रहा होगा एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा के, रेशियो लगा के। समझ में आ गया? जो पहला वाला होगा उसका रेट यहां पर लिख देना, जो दूसरा वाला होगा उसका रेट यहां पर लिख देना, बीच में क्या लिखोगे, टोटल रेट लिखोगे, और ये जो पार्ट देंगे ये प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का रेशियो देंगे। इस बात को ध्यान रखना, पहले वाले का रेट, दूसरे वाले का रेट, टोटल रेट और प्रिंसिपल। एग्जामिनर अब आपको बेवकूफ कैसे बनाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो एग्जामिनर आपको पागल बनाने के लिए ये भी काम कर सकता है, यहां पे ये भी काम कर सकता है आपको यहां पे, कि बीच वाले का रेट ही ना दे। ठीक है, तो इस 5 में क्या होगा, 5 में कोई भी 4 का मान आपको दे दिया जाएगा और आपको 5वें का मान निकालना होगा। ठीक है, कोई भी 4 का मान आपको दे दिया जाएगा, 5वें का निकालना होगा। जैसे एक सवाल छोटा सा मैं आपके सामने रखता हूं, इस सवाल को देखो। ठीक, चलो यहाँ पे सवाल को देखो, कहा गया है कि 10,000 रुपए को आप कुछ भाग 8% पर देते हो और बाकी बचा भाग 10% पर देते हो। जैसे मानो मेरे पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लोगों को पैसा दे दिया। ठीक, पहले वाले को मैंने दिया 8% पे और दूसरे वाले को दिया मैंने 10% पे। ठीक है, और कहा कि ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 9.2% आएगा, 9.2% हमें टोटल मिलेगा। तो बोलो दो जो पार्ट है वो दोनों के दोनों पार्ट कितने हैं? ठीक है, दोनों के दोनों पार्ट कितने कितने, मैंने कहा ना आपको कि आपसे पार्ट पूछ सकता है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले पहले को कितने पर दिए, दूसरे को कितने पर दिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप बता सकते हो कि हाँ भाई साहब देखो बात ऐसी है कि हम समझते हैं सवाल को, कहा क्या गया है। देखो जहां पर भी कोई भी चीज दो भागों में बंट जाए ना, समझ लेना एलिगेशन लगाने की बात कही गई है। अगर वो आपको साधारण ब्याज में होता है तो एलिगेशन लगेगा, प्रॉफिट लॉस में होता है तो एलिगेशन लगेगा। तो जहां पर भी कोई चीज दो भागों में बंट जाए, जैसे 10,000 रुपए दो भागों में बंट गया, पहला भाग 8%, तो 8 को पर लिखो, दूसरा भाग कितना है तो 10%, तो 10% को यहां पर लिखो। ये जो दोनों पार्ट है दोनों पर ब्याज कितना मिला, 9.2, तो यहां पर लिखो 9.2%। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो बीच वाला डेटा होगा ये एक से बड़ा होगा, दूसरे से छोटा होगा, तो हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले को घटाता है। 10 9.2 को घटाएगा, 10 में से 9.2 जाएगा तो 0.8 आ जाएगा, रेशियो का साइन। 9.2 में से 8 जाएगा, 9.2 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 1.2। आप इनका रेशियो बताओ। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, पहले दशमलव उड़ाएंगे फिर उसके बाद काटेंगे, इसे नहीं करना। आप जो है दशमलव दोनों साइड है तो दोनों खत्म हो गए, आपने आप में एक दूसरे को भस्म कर दिया। आप 4 से काटो 2 बार में कटेगा, 4 से काटो 3 बार में। हम क्या बोले थे कि ये वो बातें बताता है कि किसको कितना कितना पार्ट मिला। जैसे मेरे पास 5 रुपया था तो जो बेटे को 8% के रेट पर दिए थे उसको 2 रुपया दिए थे, और जिस बेटे को हम 3% के हिसाब से, 10% के हिसाब से दिए थे उसको 3 रुपया दिए थे। तो क्या मेरे पास 5 ही रुपया था? नहीं, मेरे पास 10,000 रुपया था। यानी ये जो 10,000 है ये टोटल पार्ट की वैल्यू है, ये टोटल पार्ट की वैल्यू है, यानी ये कितने का मान है, ये 5 का मान है। अगर बोलेगा 8% वाले का मान बताओ तो इसको 2 से गुना करेंगे, अगर बोलेगा 10% वाले का मान बताओ तो इसको 3 से गुना करेंगे। सवाल में किसका बोला है, दोनों का बोला है, तो दोनों का बोला है तो मानो यहां पर हम पता करते हैं कि इसको कितना मिला, 2 से गुना करो। 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 2000, 2000 का 2 गुना 4000, पहले वाले को अगर 4000 मिल रहा है तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 6000। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल इसी तरीके से सीजल के प्री का क्वेश्चन, सेम सवाल आपके लिए।
ठीक है, थोड़ा सा बदलाव किया है और कुछ नहीं किया है ताकि आप इसको आंसर दे पाओ, नहीं तो अगला सवाल टफ भी मैं कर सकता था, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो जहर बनाना बहुत आसान काम है, समझ में आ रहा है बात, सवाल को इतना कैलकुलेटिव बना दो कि वो जहर बन जाए, बट जहर तब बनाओ ना जब बच्चा समझ पाए। आप समझ ही नहीं पा रहे और हम हाई लेवल किए जा रहे हैं, फायदा क्या है ये बताओ। पहले हम आपको ये तो सिखा दे कि एलिगेशन का कंसेप्ट होता क्या है, एलिगेशन को लगाते कैसे हैं, फिर टफ बनाने का काम है तो इसको 1000 को काट के 5934 कर दो, ठीक है, 10% को काट के 11.31% कर दो, यहां पर 9.2 को काट के 11.67% कर दो, लो हो गया आपका सवाल कैलकुलेटिव, क्या दिक्कत है। डेटा को टफ करोगे सवाल कैलकुलेटिव है, डेटा आसान रखोगे सवाल कैलकुलेटिव नहीं है। तो पहले आप लोग हो बच्चे, अभी आप लोग कंसेप्ट सीखो, फिर बाद में धीरे 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 जब कंसेप्ट पर आदत लग जाएगी तो सवाल टफ भी होगा तो बना पाओगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो यहां पर 1000 रुपए दिए थे, पहला पार्ट कितना हो गया, तो पहला पार्ट 8%, दूसरा पार्ट कितना, तो 9%, टोटल पार्ट कितना है, तो 9.2%। अगर हम यहां पर देखें तो 9 में से जो है, यहां 9 नहीं है 10% है, ठीक है, 10 में से हम इसको घटाते हैं तो 0.8 आता है, 9.2 में से इसको घटाते हैं 1.2 आता है, जरा इनको काटो तो किस अनुपात में कटेंगे, 2 और 3 के अनुपात में। ये इतना पार्ट है यानी ये 1000 रुपए हैं दोस्त मेरे, और ये 1000 को कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में, कितने का निकालना है, 2 का निकालना है। तो यहां पर बहुत आसान है, 200 को 2 के साथ गुना करो 400, पहला पार्ट अगर 400 है तो अगला पार्ट आ जाएगा 600, बहुत शानदार स्टेनो फाइटर, क्या बात है। आ जाओ अगला सवाल देखो, एक और धुआंधार सवाल आपके सामने, ठीक है, आप लोग अपना धर्म भूल रहे हैं, देखो लाइक जो है वो बढ़ नहीं रहा है, लाइक बढ़ता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपना धर्म याद है। हाँ? सवाल देखो, कहा गया 1500 रुपए को 2 पार्टों में बांटा गया है, पहले वाले को 10% के हिसाब से, दूसरे वाले को 7% के हिसाब से, और दोनों पर जो ब्याज मिला है वो 396 रुपए मिला है, तो 10% वाले का जो पैसा है वो कितना है बता दो। मैंने आपको क्या कहा कि हमें अगर रेट देगा दोस्त तो रेट को रेट के साथ हम कंपेयर कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें ब्याज दे देगा तो हम ब्याज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक। जैसे मानो यहां पर पहले वाले को कितने के रेट से दिया 10%, तो वो लिख सकते हो, दूसरे वाले को कितने से दिया 7%, वो लिख सकते हो। यहां पर बीच में जो होता है ना वो लिखना होता है, टोटल पर कितना मिला है, टोटल पर कितना मिला है ये बता दो। तो टोटल पर कितना मिला है, तो टोटल पर जो पैसा है वो 396 रुपए मिला है, और यही अगर यहां पर आ जाए तो ये हमें बता देगा, ठीक है, कि किस किस पार्ट में हमने पैसे को दिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम यहां पर ये आ गया कि ये 396 दिया है और हमें जो है कंपेयर करने के लिए रेट चाहिए होता है। अब ये रेट नहीं रहेगा तो कैसे कंपेयर करोगे बताओ, इसको तो रेट बनाना जरूरी है, यानी हमें ये तय करना है कि ये 396 रुपए है ये कितने प्रतिशत का मान है, ठीक है। एलिगेशन में परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ही आप सॉल्व कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप 5 किलो में 5 लीटर चीनी, देखो 5 किलो चीनी लेके आए और 5 लीटर तेल लेके आए और दोनों को जोड़ दो और घर में बोल दो कि 10 लीटर चीनी लाए हैं या 10 लीटर तेल लाए हैं, ऐसा नहीं होता। 5 किलो अलग है, 5 लीटर अलग है, तो परसेंटेज अलग है, 396 अलग है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इस 396 को परसेंटेज में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझो ये 396 है क्या, तो ये 396 हमारा ब्याज है, ठीक है, क्या है, ब्याज है। तो पता तो करेंगे, चलो ठीक है, तुम खुश होकर बता दिए ब्याज है, लेकिन ये कितने परसेंट का मान है, कितने परसेंट का मान है, ये कितना परसेंटेज होल्ड करके बैठा हुआ है। तो बोलोगे सर कोई बात नहीं, रेट निकालने का फॉर्मूला होता है SI बटे प्रिंसिपल इनटू 100/टाइम, होता है, तो बोलेंगे हाँ सर। ब्याज कितने का मिला, 396 का मिला, प्रिंसिपल कितना है बता दीजिए, तो प्रिंसिपल हमारा 1500 है, रेट हमारा कितना है, देखो यहाँ 100 है, और समय कितना है दोस्त, तो बोलोगे सर समय जो है कितने सालों की ये कहानी है, ठीक है, और 3 वर्षों की कहानी है, तो हम इसको 3 से भाग करेंगे, तो 2 जीरो से हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 1 बार में 3 बार में 2 बार में 132, और 132 को जब इसको काटोगे 15 से तो 15 6 90, 15 7 105, 15 8 100, 15 9 115, 8 120 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा यहां पर कितना, तो बचेगा 12, और फिर यहां पर और काटोगे तो फिर 15 8 120 आ जाएगा, ठीक है, काट के देखो जरा एक बार, 1, 3 और 2 बार में 132 को जब आप 15 के साथ काटोगे, ठीक है, 132 को जब आप 15 से एकदम बेसिक मेथड से कर लो, देखो 15 का 8 गुना आ जाएगा आपका 120, यहां से 2 है यहां से 1 है, दशमलव लगाओगे 0 मिल जाएगा, फिर 15 से 8 बार में 120, 8.8% कितना आ गया, 8.8, यानी हमें यह पता करना होता है कि यहां पर जो ये ब्याज है ना ये कितना परसेंट का मान है। तो आ गया कि नहीं आ गया 8.8%, बस यहां पर 8.8% लगाओ अब, तो बोलोगे सर ये बीच वाला जो मान आ गया वो 8.8, अब ये आ गया है और अब ये कंपेयर करेगा, ये किसी से घटेगा भी
और किसी को घटाएगा भी। तो 10 में से 8.8 गया तो बोलोगे सर 1.2, और 8.8 में से 7 गया तो बोलोगे सर 1.8, ठीक है, घटा के देख लो 1.8, ये हमारा रेशियो आ गया। क्या दशमलव है तो इनका रेशियो निकालना है? नहीं, आप सीधा का सीधा काट सकते हो। काटोगे तो कितने से, 3 से आपका 6 बार में कटेगा ये, ठीक है, और आपका सीधा का सीधा 6 से काट सकते हो, 6 से 3 बार में और 6 से 2 बार में, यानी अनुपात आ गया 3:2 का। किस रेशियो में आ गया? 3:2 में। जो भी पैसा दिया गया है इसको इस रेशियो में बांट दो। तो क्या बोलोगे, 1500 रुपया था, कितने का मान था? तो बोलोगे 5 का। किसको बोला गया था, कौन से वाले पार्ट का बोला गया था? बोला गया था 10% वाले का मान बताओ, तो 10% वाले के पास कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, तो इसको 3 से गुणा कर दो। 5 से काटोगे 3 बार में, 300 का 3 गुणा कितना होता है? 900। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। पेपर के लिए कोई भी ऐसा टाइप नहीं छोड़ना है, कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं छोड़ना है जिससे एग्जामिनर को यह मौका मिल जाए कि वो आपके नंबर को काट ले। हर अप्रोच को हम सीखेंगे, डेली के क्लास में सीखेंगे, हम समझेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, ये हम कसम लेते हैं। अपने आप से एक वादा कर लो, इंस्पेक्टर बनना है, मैथ्स हमें इंस्पेक्टर बनाएगा। हम जो है इंग्लिश तो आप खुद याद कर लोगे, मैथ्स तो खुद से सीख नहीं सकते हो। अब वोकैबुलरी याद करने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैथ्स में ये कंसेप्ट को सीखने के लिए किसी की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जाता है ऐसा कि मैथ्स ही सिलेक्शन दिलाता है, इस बात को ध्यान रखो। सवाल देखो, सवाल में क्या कहा है? कहा है कि अरुण जो है 20,000 रुपये अपने दो बेटे को देता है, पहले बेटे को 12,000 देता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे बेटे को 8,000 दिया होगा। पहले वाले को 8% के रेट पर देता है और टोटल पर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बोला है बताओ दूसरे वाले को कितने के रेट पर पैसा देगा, दूसरे को कितने के रेट पर पैसा देगा भाई बता दो। तो बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, पहले वाले को कितने के रेट पर दिया है सर? पहले वाले को 8% के रेट पे, तो पहले वाले का 8% कहां लिखेंगे? यहां पहले बेटे का रेट यहां पर लिख दो। दूसरे वाले का आपको पता है? पता है, नहीं पता ना, तो जब नहीं पता तो क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। मैथ में जब कुछ भी नहीं पता होता तो लेट इट बी एक्स। जैसे उसके बारे में भी नहीं पता था तब जो थी वो एक्स नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ पता होने के बाद वो नहीं है तो वो एक्स है। उसी तरीके से गणित में उल्टा हो जाता है, जीवन का कहानी और गणित का कहानी थोड़ा उल्टा है, ठीक है। गणित में जब कुछ नहीं पता होता है किसी के बारे में तो हम उसको x मान लेते हैं, और जब पता हो जाता है तो उसका मान निकल जाता है। और जीवन में क्या होता है, जब सब कुछ पता हो जाता है और वो हमारे लाइफ में नहीं है तो वो हमारा x बन जाता है, x बन जाती है। तो बस यही समझ लो, यहां पर दूसरे वाले के बारे में नहीं पता था तो उसको मान लिया हमने x। अब टोटल की बात करें यहां पर, तो टोटल पर जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 10%। तो यहां पर लिख लेते हैं 10%। नीचे क्या लिखते हैं, किसको कितना कितना रुपया मिला, वही तो लिखते हैं यहां पे। तो यहां पर नीचे जो है हमारा, देखो पहले वाले बेटे को मिला है 12,000 रुपए और दूसरे वाले को मिला है यहां पर 8,000 रुपए, ठीक है। ये दो पार्ट में हमें पैसे मिले हैं। मैं कहता हूं ये जो दो भी पैसे मिले गए हैं इनको, इनका पार्ट देखो, इनका रेशियो देखो कि ये किस अनुपात में है। तो बोलोगे सर 4,000 से काटेंगे ना तो ये 3:2 के अनुपात में कट जाएंगे, ये 3:2 के अनुपात में कट जाएंगे, ठीक है। बस यहां काम खत्म। अब यहां निकालोगे इस x का मान तो कैसे निकालोगे? तो असल में यहां पर भी लगता है एवरेज का कंसेप्ट। जो बीच वाला डेटा होता है वो होता है एवरेज वैल्यू। ये जो बीच वाला होता है ये एवरेज वैल्यू होता है 10%। आप बोलोगे 3 पार्ट को 8% पर दिया तो टोटल कितना आया? तो 3:8। फिर बोलोगे 2 पार्ट को x परसेंट पर दिया तो कितना आया? 2x। और डिवाइड करेंगे जितने पार्ट होते हैं। अभी एवरेज पढ़ाया था कि नहीं, कि अगर 3 पार्ट है 8% पर तो टोटल इतना हो गया, 2 पार्ट है x परसेंट पर तो टोटल इतना हो गया। और इसको जब भाग कर देते हैं टोटल पार्ट से तो ये बीच में जो बैठा है ना ससुरा एवरेज है, एवरेज निकाल दो। तो 5:10 कितना आ गया? 50। 8:3 कितना आ गया? 24। और जमा कितना हो गया? 2x, ठीक है। 50 में से 24 चला गया, 26 आ गया, 26 को 2 से भाग करोगे, x मान 13% आ गया। लो, जीवन में उस एक्स का कोई मान नहीं, लेकिन यहां पर इस एक्स का बहुमूल्य मान है और वो है 13%। क्लियर हुआ? तो जब भी ऐसा साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए, दो अलग अलग पार्ट में दिया हो, एक पार्ट यहां, दूसरा पार्ट यहां, टोटल पार्ट यहां, ये इनके प्रिंसिपल होते हैं। बाकी मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लगिए जाओगे, बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, समझे ना। और बाकी कभी गणित में किसी को भी मेरे भाई पढ़ना हो, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ना है तो हमारा VOD बैच बता दीजिएगा, 699 में आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आता है, वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, ये बैच कभी धोखा नहीं देगा, समझे, सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और अगर किसी भाई को लाइव है तो वो हमारा चैंपियंस बैच है जो हर समय पर आते रहता है, वो भी यहीं से मिलता है और उसके लिए भी हमारा यहीं पर इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। बाकी वीडियो वा कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद, लव यू ऑल मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू।